now come along with me and help us make the christmas food disappear a little faster to disappear matlab gai abhujana to appear matlab gai to disappear matlab gai with the dark all animals disappear in the jungle अंधेरा होता है तो जंगल से सब जानवर गायब हो जाते हैं सब अपने अपने डेन में चले जाते हैं अपने अपने अड्डों में चले जाते हैं चमगादड़, एंड यू appear टू बी वेरी स्मार्ट तुम बड़े स्मार्ट दिखाई दे रहे हो टू so, appear एंड टू disappear, तो so, ये कहता है मेरे दोस्त चलो अब मेरे साथ कोई हिचक मत करो और हम लोगों की मदद करो हमारे साथ चल के मेरी और मेरी डॉटर की मदद करो कैसे तुम्हारी कंपनी मिलेगी और इस प्रकार यू विल हेल्प आस इन मेकिंग द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर और तुम खाओगे हमारे साथ क्रिसमस का भोजन क्रिसमस का स्वाद लोगे क्रिसमस के भोजन का स्वाद लोगे और जो बनाया है हमने वो फिर जल्दी खत्म होगा समाप्त होना मतलब समाप्त होना ओझल हो जाना जल्दी ओझल हो जाएगा अर्थात तुम्हारे आने से जो भोजन बना है वो जल्दी खत्म होगा तो चलो कमान डोंट हेजिटेट हिचको मत किस बात की शर्म नील सलॉफ मनी ने कहा कि ये कपड़े वगैरह की चिंता मत करो मैं उसको नहीं जान देख रहा हूं ये भी मत सोचो कि मेरा बहुत बड़ा मकान है तो फिर शर्म किस बात की चलो मैं तुम्हारा पुराना मित्र तुम्हारा पुराना परिचित चलो और बल्कि तुम चलोगे हमारे साथ तो हमारा क्रिसमस बड़े अच्छे से गुजरेगा ऐसा कहते हुए उसको पुचपार पुचकार कर ले जाता है बट द स्ट्रेंजर से नो लेकिन तथा कथित नील्स ओलाफ ये स्ट्रेंजर जो था वो बार बार ना 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 कहा से no, no, no. ना 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 कहते रहा, आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट इन और आयरन मास्टर ने को लग गया महसूस किया कि अब उसे गिव इन करना चाहिए मतलब उसकी बात मान लेना चाहिए सरेंडर कर देना चाहिए उसकी बात को मान लेना आई गेव इन टू योर सजेशन फिर मैंने अंततः तुम्हारे सुझाव को मान लिया तुम्हारे तुम्हारे सुझाव के सामने अपने को समर्पित कर दिया अर्थात तुम्हारा सुझाव मान लिया टू गिव इन टू गिव मैंने देना और टू गिव इन मतलब अपने को सरेंडर uh, कर देना बात मान लेना सामने वाले की आई गेव इन टू द प्रेशर गेव इन टू द प्रेशर ऊपर से मेरे पास दबाव आ रहा था इसका ट्रांसफर कर दो उस दबाव को कारण मैंने उसका ट्रांसफर कर दिया आई वॉज गेटिंग प्रेशर फ्रॉम द टॉप फाइनली आई गिव इन फॉर द ट्रांसफर ऑफ दैट मैन अंततः फिर मैं झुक गया झुकना पड़ा टू गिव इन मतलब झुकना झुक पड़ना झुक जाना मान लेना तो फाइनली आयरन मास्टर को लगा कि भैया इतना जिद्दी है ये नो 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 कह रहा है और अंततः उसने उसकी बात मान ली उसकी बात के सामने झुक गया और चल गया अकेला चला गया दूसरे शब्दों में ये सब जो डायलॉग हो रहा है ये वही फोर्जरी में ही हो रहा है आयरन मिल में ही हो रहा है ये उसको बार बार कह रहा है चलो चलो वो वहाँ बार बार मना कर रहा है। थोड़ा सा चलते हैं थोड़ा आगे आते हैं लेकिन अंततः जिसकी जिद के सामने स्ट्रेंजर की जिद के सामने आयरन मास्टर को झुकना पड़ता है और अंततः फिर वो उसको छोड़ के चला जाता है इतना समझाया प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैल्सो ए अलोन एंड यू विल बी ए कंपनी टू मी माय फूड विल आल्सो बी फिनिश्ड अर्ली इतनी तरह की बातें किया इतनी बातें इतना लालच दिया उसको बट स्ट्रेंजर से नो 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 एंड आय मास्टर फाइनली गेव इन एंड लेफ्ट इट लुक्स एज दो कैप्टन फॉन स्टेबल प्रिफर टू स्टे विथ यू टू नाइट और फिर उसने कहा ऐसा लगता है कि ये जो कैप्टन है ये शायद आप लोगों के साथ रहेगा आप लोगों के साथ रहना पसंद करेगा प्रेफर टू स्टे टू प्रेफर मतलब प्राथमिकता देना वो शायद प्राथमिकता दे रहा है आप लोगों के साथ रहने की ऐसा कहते हुए उसने एक व्यक्ति था उसको इशारा करते हुए कि कर ऐसा लगता है कि ये जो कैप्टन है क्योंकि उसको तो उसने आर्मी का रेजिमेंट का कैप्टन समझाना नील सोलाफ नील सोलाफ मानते हुए आर्मी का कैप्टन मानते हुए उसने उसको समझा किए और तो उसने अपने ब्लैक स्मिथ को एक लोहार को कहा कि था लग रहा है कि ये मानेगा नहीं ये शायद आप लोगों के साथ रहने की ही प्राथमिकता है इसकी ही सेट टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एन टर्न ऑन हिज हील और अपने जूते पहन के निकल पड़ा टर्न ऑन हिज हील और अब वो निकल पड़ा ब्लैक को बताकर ब्लैक को बता दिया कि भैया ये मान नहीं रहा है यद्यपि मैं से जानता हूँ आर्मी का कैप्टन था कैसे फटे चीते कपड़े पहन गया है दिन बदल गए हैं बड़ा अफसोस है मैं इसको ले जाने की बार बार बोल कह रहा हूं अपने साथ चलने के लिए नहीं जा रहा है अब ये लगता है तुम्हारे साथ ही रहेगा आज रात बट ही लाव टू हिम सेल्फ एज ही वेंट अवे जाते जाते मानो वो अपने पे हंसा एक तो टर्न ऑन हिज हील चलने लगा हील मने एडी चलने लगा एंड लाफ्ड टू हिम सेल्फ और उसे अपने पे स्वयं पे हंसी आई हंसने लगा एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड और वो जो ब्लैक स्मिथ ये तो हंसते हंसते चला गया अपने पे भी हंसा कि क्या ज़माना आ गया कैसा मेरा दोस्त कैसा क्या हालत हो गई है मेरे दोस्त की मेरे पूर्व परिचित की और ऐसा कहते हुए चला ब्लैक स्मिथ को उसने जिसको कहा था कि इसको देख लेना रात में इसको वो ब्लैक स्मिथ को लगा उसने कहा उसको मालूम था हु न्यू हिम कि उस ब्लैक स्मिथ को वो ब्लैक स्मिथ आयरन मास्टर के नेचर को जानता था और जानता था इसलिए ही अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड कि अभी ये अंत नहीं है मामले का इसने बार बार किस मामले का इसके ले जाने का इसको वहां पर आ, मैनर में भेजने का मतलब आयरन मास्टर अभी भी प्रयास करेगा इसको ले जाने का अब देखिए क्या होता है आयरन मास्टर है नील सोलॉफ या ट्रम्प है और थोड़ी दूर पे ब्लैक स्मिथ है आयरन मास्टर्स को बार बार समझा रहा है फुसला रहा है लालच दे रहा है चलने के लिए कह रहा है मना रहा है गिड़गड़ा रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन ट्रैम्प के मन में भी वो तीस क्रोनर का डर और फिर ये डर कि कहीं मैं और किसी गलत फंदे में ना फंस जाऊँ किसी नए शेर के चंगुल में ना फंस जाऊँ वो बार 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 मना करता है अब उसको तो रात में केवल सोना था और सुबह चुपचाप भागना था तो इसलिए मना करता है अंततः मालिक जो है मान जाता है लेकिन ब्लैक स्मिथ को बोलता है कि देखना है इसको ज़रा और ऐसा कह के वो निकलता है अपने पे मुस्कुराते हुए अपने स्वयं पे हंसते हुए बड़ी अजीब स्थिति हो गई है और ब्लैक स्मिथ को बोलता है इसको देखना लेकिन ये ब्लैक स्मिथ जो है जो लोहार जो था वो लोहार जानता था कि बात यहीं खत्म नहीं होगी दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड अभी ये बात खत्म नहीं होगी यहाँ पे आयरन स्मिथ अभी कुछ और करेगा इसको अपने घर ले जाने के लिए यही पे नहीं छोड़ेगा उसको अंदाज़ था न्यू हिम अंडरस्टूड उसने अंतिम प्रयास नहीं किया है किसने आयरन मास्टर ने अभी अंतिम प्रयास नहीं किया है ऐसा किसका सोचना था लोहार का सोचना था यानी उसको पता था कि अभी स्मिथ कुछ ना कुछ जरूर करेगा इसे ले जाने के लिए भर तक प्रयास करेगा अब एक दूसरा घटनाक्रम नाउ द स्टोरी टेक्स अनदर टर्न नाउ अनदर डेवलपमेंट यू रिमेंबर ब्लैक स्मिथ न्यू दैट आयरन मास्टर विल मेक अनदर अटेम्प्ट टू टेक नील्स ऑल ऑफ टू हिल्स बंगलो लोहार को मालूम था क्योंकि वो जानता था अपने मालिक को अच्छी तरह और उसको अंदाज था कि मालिक अभी कुछ और प्रयास करेगा इसको ले जाने का और वही हुआ क्या होता है इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउट साइड द फोर्च आधे घंटा भी नहीं हुआ था नॉट मोर देन हाफ एन आवर कि उन्हें कैरिज की आवाज़ सुनाई दी कैरिज के चके की कैरिज मतलब क्या होता जिसमें ले ढोते हैं तो एक कैरिज आया एक तरह का वाहन जानवर से घोड़े से जो चलता है चाहे वह रथ बोलने चाहे छोटा सा रिक्शे जैसा स्ट्रक्चर जैसे जानवर खींचते हैं तो उसकी आवाज आई कैरिज की आवाज आई कैरिज के चके की आवाज आई आधे घंटे के अंदर अभी आधा घंटा हुआ नहीं था कि चके की आवाज आई अंदर आते हुए आउटसाइड द फोर्थ एंड ए न्यू गेस्ट केम इन और उसमें से एक नया गेस्ट उतरता है बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर और इस बार आयरन मास्टर नहीं था उस कैरिज में टू कैरीज से बना है कैरिज टू टू कैरी के, से बना है मतलब वो चीज जिसमें ढोया जाए तो इस बार वो जब व्हील आवाज आई आधा घंटा भी नहीं हुआ था एक गाड़ी की आवाज आई कैरिज की के चके की और देखे कि उसमें से कोई और उतर रहा है लेकिन वो आयरन स्मिथमैन आयरन मास्टर नहीं था मालिक नहीं था कौन था ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers for persuasion than he himself, उसने अपनी डॉटर को भेज दिया था इस उम्मीद में apparently, बाहर से ऐसा लग रहा था इस उम्मीद में apparent मतलब दिखाई देना बाहर से दिखना शायद उस उम्मीद में भेज दिया था that he she would have better power, उसके पास बेहतर क्षमता है शायद वो बेहतर क्षमता किस बात की टू परसुएड उसको मनाने की परसुएशन मैंने मनाना टू परसुएड मैंने मनाना आई परसुएडेड हिम फाइनली टू ज्वाइन मी फॉर पिकनिक अंततः उसे मैंने मना लिया पिकनिक में चलने के लिए उससे बना परसुएशन तो आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा शायद इस उम्मीद में अपेरेंटली संभवतः इस उम्मीद में कि उसके पास मनाने की बेहतर क्षमता है शायद वो उसे मना लेगी नील सोलाफ़ को शायद वो मना लेगी अपने घर लाने के लिए होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर पावर मतलब ताकत नहीं अधिकार नहीं पावर मतलब क्षमता कि शायद उसके पास बेहतर क्षमता है किस बात की मनाने की क्षमता किसको मनाना नील सलॉफ को परसुएशन मनाने की क्षमता दैन ही हिमसेल्फ उसके स्वयं की तुलना में देखिए यहाँ टी एच ए एन दैन है दैन मतलब की तुलना में टी एच एन दैन मतलब तब दोनों में अंतर है हम लोग अधिकतर ये गलतियाँ करते हैं दैन जब तुलना करना हो तब टी एच ए एन आएगा दैन उच्चारण भी दैन है यू आर स्मार्टर than मी तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो वहाँ टी एच ए एन है आवेंट देन ही के मैं गया फिर वह आया उसके बाद वह आया देन मतलब उसके बाद फिर तब तब वह आया आई scolded हिम देन ही टोल्ड द ट्रूथ मैंने जब उसे डांटा तब उसने सच्चाई बताई वो देन है टी एच और यहाँ पर है then ही himself तुलना कर रहे हैं मेरे से ज्यादा समझाने की मनाने की क्षमता मेरी डॉटर में है इस उम्मीद में आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेज दिया था अब क्या होता है शी एंटर्ड वो आई अंदर फॉलोड बाय वैलेट वैलेट मैंने नौकर एक नौकर भी आया साथ में कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट और वो नौकर के हाथ में एक बड़ा सा फर का कोट था फर का कोट मतलब जो बड़े बड़े बाल होते हैं जो ठंड में पहना जाता है ठंडे देशों में आप देखे होंगे सफेद रंग के कोट काले रंग के कोट अलग अलग रंग के बड़े बड़े से बाल रहते हैं सामान्यतः तो जानवरों के बड़े बड़े बालों से उसको बनाया जाता है जिससे गर्मी मिले तो वो जो नौकर था वो उसके पीछे पीछे उतरा और उसके हाथ में क्या था फर का कोट था ऐसा पकड़े हुए उतरा शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी वो सुंदर तो थी ही नहीं जो ओल्डेस्ट डॉटर थी सामान्य लुक था प्रेटी माने सुंदर पर यहां पे ऑथर कह रहा है शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी सुंदर तो वो कतई नहीं थी बट सीम्ड मॉडेस्ट लेकिन मॉडेस्ट लगती थी मॉडेस्ट मतलब कहना चाहिए एक सामान्य असामान्य ने एक मध्यम मध्यम दर्जे की और मॉडेस्ट का अर्थ होता है यू आर वेरी मॉडेस्ट तुम बड़े विनम्र हो अपने विचार में सो दर्स इज दी एंटर्ड Followed by a Pune valet who was carrying a fur coat in his arm and she was not at all beautiful. But in ha we have harme balanced thi and quite shy or uh, quite shy, shy many sharminda, ladja, shy many ladja or visma ladja ti. Ya depi sundarni te. पर जैसा एक महिलाओं में होना चाहिए एक लज्जा होना चाहिए एक मॉडेस्ट uh, बिहेवियर रहना चाहिए ऐसा उसके व्यवहार में था बड़ी अच्छी थी व्यवहार कुशल थी इन द फोर्ज एवरी थिंग वॉज जस्ट एज इट इज इन द अर्लियर इवनिंग फोर्ज में सब कुछ वैसे ही था जैसा कि पिछली शाम को भी था वो जो एरिया था वहां पे पहली शाम में जैसा दृष्ट था वैसा भी आज था जैसा रोज होता वैसा ही था इन द फोर्थ जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग शाम को जैसा था वैसे ही सब था आधा घंटा भी तो नहीं हुआ था द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड इज एप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देर बेंच ये जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और अप्रेंटिस मतलब क्या होता है सहायक प्रशिक्षु कई जगह कंपनियों में परमानेंट नौकरी देने के पहले छह माह या एक साल के लिए आपको प्रशिक्षु के रूप में रखा जाता है जिसमें आपको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती बल्कि एक थोड़ा हिस्सा मिलता है ट्रेनिंग काल ट्रेनिंग पीरियड रहता है ऐसे ट्रेनिंग पीरियड में जिसको रखते हैं उसे अप्रेंटिस कहते हैं फिर बाद में कन्फर्म होते हैं तो यहाँ पर उसका कुछ सहायक था कोई अप्रेंटिस था उसके साथ वो बैठता था द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच वो अभी भी अपनी बेंच पे बैठे हुए थे एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस और लोहा और चारकोल जो गर्मी देता है जिसमें आग लगती है वो अभी भी बहुत तेज थी ग्लो कर रहा था चमक रहा था शाम ढल गई थी अब तो फर्नेस में और तेज लाइट दिखेगी तो चमक रही थी लाइट उसकी एंड हिज अप्रेंटिस टिल सेट ऑन द बेंच बेंच में बैठे हुए था अभी भी और जो लोहा और जो चारकोल था उसकी चमक अभी भी थी द स्ट्रेंजर द फ्लोर और ये जो स्ट्रेंजर था ये स्ट्रेच्ड आउट ऑन द फ्लोर टू स्ट्रेच मतलब फैला लेना जमीन में अपने को फैला लिया था यानी अब पसर रहा था सोने की तैयारी करा थका हुआ तो था ही बेचारा कितना भटक भटक के जंगल के रास्तों में पगडंडियों में खोदते खोदते पहुंचा था और वैसे ही बहुत घबराया हुआ था तीस क्रोनर की चोरी का कहीं पकड़ा ना जाए भूखा तो था ही तो ये सब के कारण वो बस पसर गया ही हिमसेल्फ उसने फैला दिया डोंट स्टेज द स्टोरी स्टोरी टू लॉन्ग कहानी को बहुत लंबा मत फैलाओ यू आर स्ट्रेचिंग मच टू फार तुम बहुत ज्यादा हाँक रहे हो देखिए स्ट्रेच का उपयोग और कैसा यू आर स्ट्रेचिंग मच टू फार तुम बहुत ज्यादा हाँक रहे हो हाँकना स्ट्रेच करना मतलब फैलाना बहुत लंबा मत फैलाओ बहुत मत तानो तो यहाँ पर जो ट्रैम्प था उट ऑन दीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिस्स एंड पुल डाउन ओवर लेट गया सिर पर पिग आयरन का एक टुकड़ा तक के जैसा रखा पिग आयरन मैंने आपको बताया कच्चा लोहा कच्चा लोहे का एक टुकड़ा उसको मिल गया उसको तकिये के रूप में सिर के नीचे रख लिया और उसके बाद क्या हैड पुल डाउन ओवर इज हाइज और चूंकि वो आ, आग की चमक रोशनी बाधा पहुंचा रही थी उसने अपनी टोपी को आँख के ऊपर लगा दिया और इस प्रकार वो सो गया अंधेरा कर दिया ही pulled डाउन ओवर हिज आई अपनी टोपी को खींच के सोते हुए टोपी को खींच के उसने अपने आँखों को ढक दिया ए सुनहर द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम ए सुनहर मतलब जैसे ही जैसे ही लड़की की नज़र उस पर पड़ी कॉट टू कैच साइट ऑफ नजर पड़नाट साइट ऑफ दैट मैन मेरी उस आदमी पर नजर पड़ी आई कॉट साइट ऑफ दट थिफ मेरी इस चोर पर नजर पड़ी तो यहाँ पर जैसे उस लड़की साइट माने दृश्य और साइट माने नजर योर आई साइट इज गुड तुम्हारी आँख की जो दृष्टि है नजर जो है बहुत तेज है, अर्थात नॉर्मल है योर आई द नॉर्मल सो साइट एस आई जी एच टी और साइट माने दृश्य भी लुक एट दैट साइट सो ब्यूटिफुल बिहाइंड द माउंटेन पहाड़ों के पीछे का वो दृश्य कितना सुंदर है तो यहाँ पर एज शी कॉट साइट ऑफ दैट मैन शी वेंट अप टू हिम एंड लिफ्टेड हिज हैट वो उसके पास गई और उसकी टोपी को हटाया क्योंकि टोपी से वो चेहरा ढक दिया था अपना आंखें ढक दी थी उसने सोने के लिए जा ही रहा था उसने उसको लड़की आई और उसने उसकी टोपी हटाई शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट The man was evidently used to sleeping with one eye open, और ऐसा लग रहा था evidently मतलब स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उस आदमी की एक आंख खोल के सोने की आदत थी कई लोगों की होती आदत ऐसी तो एक आंख खोल के सोने की आदत थी यूज टू स्लीपिंग ही यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन एक आंख खोल के सोने की आदत थी जैसे ही लड़की ने उसका हैट हटाया ही जमडअप एब्रपली मतलब अचानक एब्रप्ली मतलब अचानक वो अचानक उठा और उसके बाद सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटनड टू फ्राइटन मतलब घबरा देना फ्राइटन मैंने घबरा देना और वो आदमी घबरा गया क्योंकि वो तो सो रहा था सिर पे हैट रख लिया था अपने आँख के ऊपर लगभग नींद में चला गया था यहाँ आती है लड़की और उसके हेड को हटाती है जैसी हटाती आदमी घबरा जाता है और घबराने का एक कारण और भी था अनजान जगह थी उसके अलावा उसको बार बार ये डर था कि कहीं मैं तीस क्रोनर के चक्कर में किसी की गिरफ्त में ना आ जाऊँ तो वो घबराहट भी रही होगी तो जैसी हैट हटाया घबरा के बैठ गया अब्रप्टली मतलब अचानक एंड सीम टू बीट फ्राइट और बहुत बुरी तरह घबरा गया था अचानक ये घटना हुई तो घबरा गया you look very frightened. तुम बहुत घबराए हुए दिख रहे हो आई गॉट फ्राइटेंड सींग द टाइगर टाइगर को देख के मैं घबरा गया माई फ्रेंड गेट्स फ्राइटन सींग मेरा मित्र जो है वो छिपकिली को देख के घबरा जाता है तो टू गेट फ्राइटन मतलब घबरा जाना टू फ्राइटन मतलब घबरा देना सो हियर व्हाट हैपन ही गोट फ्राइटन बहुत घबरा गया माय नेम इज एडला एडलामसन जैसे उठ के बैठा घबराहट में तुरंत लड़की ने कहा मेरा नाम एडला है मेरा नाम एडला विलमनसन है सेट द यंग गर्ल

ये आदमी घबरा के बैठ गया ट्रैम चमक गया थोड़ा चौंक गया तो लड़की ने तुरंत अपना परिचय दिया कि मेरा नाम वेडला है और पिताजी ने बताया कि आप यहां सो रहे हैं रात में फौज में तो मैंने उनसे अनुमति ली है कि आपको मैं घर लेके आऊँ परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस आई एम सो सॉरी मुझे क्षमा करें किस बात की क्षमा आपको मैं जो उठाई हूं आपको जो नींद में मैंने खलल किया है उसके लिए मुझे माफी मांगे लेकिन मैं तो इसलिए आई हूं क्योंकि पिताजी ने मुझे बताया कि आप यहीं सोना चाह रहे हैं लेकिन मैंने उनसे अनुमति ली है कि आप चलिए घर कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम आई एम सो सॉरी कैप्टन आई एम वेरी सॉरी कि तुमको इस दौर से गुजरना पड़ रहा है आपको इस दौर से गुजरना पड़ रहा है अंकल आई एम सो सॉरी दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम कि आपको इस कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा पिताजी ने कहानी बताई किस्सा बताया और उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि नील सोलाफ की क्या हालत हो गई है और उन्होंने कहा कि नील सोलाफ तो वहाँ पे सोने की जिद कर रहा था मैं तो हर तरीके से मनाने की कोशिश किया वो नहीं माना तो मैं उनसे अनुमति लेकर आई हूँ और मैं चाहूँगी कि आप चलिए मेरे साथ आई एम वेरी सॉरी कि आपको तकलीफ़ में डाला शी लुक दैट हिम कम्पैशनेटली कम्पैशन किस कम्पैशन मतलब पूर्वक, उसने सहानुभूति पूर्वक देखा शी लुक डैट हिम अर्थात ट्रैम्प को लगा कि ये लड़की जो है बड़े सहानुभूति से बात कर रही है विथ हर हैवी आई एंड देन शी नोटिस बड़े सहानुभूति पूर्वक अपनी आंखों से वो उसको देख रही थी और फिर उसकी नजर पड़ी उसका ध्यान गया नजर पड़ी कार था कि उसने देखा और उसको लगा कि वो आदमी बहुत घबराया हुआ है मैन इज अफ्रेड टू बी अफ्रेड मतलब घबराया होना टू बी फ्राइटनड यानी टू बी अफ्रेड ही लुक्ड अफ्रेड घबराया हुआ दिखा ऐसा दिखा तो उसके मन में लड़की के मन में कुछ लगा ही हैज हीन समथिंग और एल्स ही हैज उसका व्यवहार देखकर लड़की को लगा कि या तो उसने कुछ चीज चुराई है टू स्टील मने चोरी करना स्टील स्टोल स्टोलन या तो उस लड़की ने कुछ चीज चुराई है और या फिर वह जेल से भागा है टू एस्केप मतलब भागना निकल भाग निकल भागना वो जेल से निकल के भागा है देखिए लड़की कुछ समझ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है जिस ढंग से वो उठा घबराया और जिस ढंग से उसकी प्रतिक्रिया थी रिएक्शन था वो बड़ा घबराया हुआ दिखा तो लड़की को लगा कि या तो ये चोरी किया है कहीं से या भागा है एस्केप मतलब निकल भागना यू एस्केप्ड माई अटेंशन तो मेरी नजर से बच निकले मेरे ध्यान से तुम बच निकले मतलब तुम बच गए आई एस्केप्ड मेजर एक्सीडेंट मैं किसी तरह से एक मेजर एक्सीडेंट से बच निकला टू so, एस्केप मतलब बच निकलना तो so, कहीं से जेल से निकल भागा है शी था उसने सोचा एंड एडिट क्विकली और मनी मन फिर ये कहा नहीं उसने और फिर सोचने लगी यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू हैव जस्ट एज फ्रीली एज यू कम फिर उसने उसको कहा ये सोचते हुए कि कैप्टन ये सुनिश्चित है यू मे बी श्योर बिल्कुल तय है कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम तुमको मैं वैसे ही हम लोग वैसे ही जाने देंगे जैसे तुम आए खाली आए स्वतंत्रता से आए स्वतंत्रता जब तुमको लगेगा जाने का तुम चले जाना हम तुमको रोकेंगे नहीं और मन ही मन वो सोच रही थी कि या तो ये चोर है या जेल से भागा हुआ आदमी है लेकिन क्या करती उस बात को दरकिनार करते हुए क्योंकि वो उसके पिताजी का पुराना सहयोगी था ऐसा इसको लगा उसने कहा कि कोई बात नहीं आप चिंता मत करो हम आपको रोकेंगे नहीं आपकी जब जाने की इच्छा होगी तब चले जाना ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव केवल आप हमारे साथ क्रिसमस की शाम गुजारें बस ओनली प्लीज स्टे कृपया हमारे साथ रहें कब ओवर क्रिसमस ईव ईव मने शाम एंड ईव मने गर्ल भी होता है लड़की को भी ईव बोलते हूँ तो यहां क्रिसमस ईव में आप बस हमारे साथ रह लो फिर उसके बाद जब जाना हो जैसे जाना हो आप चले जाना शी दिस शी सेट दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर इतने दोस्ताना अंदाज में फ्रेंडली मैनर अर्थात दोस्ताना अंदाज इतने दोस्ताना अंदाज में उसने कहा कि रेड ट्रैप पेडलर जो था रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हर उसको इसकी बात पर विश्वास हो गया पेडलर मतलब जो ये काम करता है मैंने आपको पूर्व में बताया ड्रग पेडलर रेड ट्रैप पेडलर रेड ट्रैप को बेचने का काम जो घुमक्कड़ी में करते हैं उन्हें पेडलर कहते हैं तो ये जो पेडलर था उसको उसकी बात पर विश्वास हुआ क्योंकि इतने प्यार से उस लड़की ने कहा था कि अंकल आप केवल क्रिसमस की शाम हमारे साथ गुजार दो फिर जब आपको जाना होगा आप चले जाना हम आपको रोकेंगे नहीं जैसे आप आए थे वैसे ही चले जाइएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन आप क्रिसमस हमारे साथ मनाओ उसके इस प्यार से बात करने को स्नेह से बात करने से ये जो पेडलर है जिसे ट्रैम्प कह रहे हैं वो उसको उसकी बात पर विश्वास किया इट वुड हैव नेवर अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी योर सेल्फ मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे लिए परेशान हो गए टू बॉदर मतलब परेशान करना डोंट बॉदर मी मुझे परेशान मत करो वाई आर यू बॉदर अबाउट हिम तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो यू कीप बदरिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ पेरेंट तुम अपने पेरेंट के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान होते रहते हो टू बॉदर डू नॉट बॉदर मी मुझे परेशान मत करो तो यहां पे कह रहा है कि जब लड़की ने इतने प्यार से उसको कहा कि चलो अंकल केवल क्रिसमस की शाम रहना तो उसको उसकी बात पर विश्वास हो गया बड़ा अच्छा लगा उसको ऐसा सुन के कॉन्फिडेंस आया और फिर उसने कहा मैं सोच भी नहीं सकता था कि यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ कि तुम मेरे लिए परेशान हो गए इट वुड नेवर हैव अकर नेवर मतलब कभी नहीं अकर मैंने घटित होना ये मेरे मन में कभी भी मैं नहीं सोच सकता था कि तुम मेरे लिए परेशान हो गए आई विल कम एटवान्स चलो फिर मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ क्योंकि इतने प्यार से स्नेह से उसने कहा इतने अच्छे से कहा विश्वास दिलाया इस विश्वास के आधार पे पेडलर तैयार हो गया और बोला तुमने मुझे कल्पना भी नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतना परेशान हो गए खैर चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं आई विल कम एट वंस मतलब मतलब तुरंत केवल वंस मैंने एक बार और एट वंस मतलब तुरंत आई विल कम एट वंस चलिए मैं तुरंत चलता हूं और ऐसा करके वो खड़ा हो गया अभी तो बैठे बैठे सुन रहा था इसके अनुरोध को लड़की के यंग गर्ल के अनुरोध को सुन रहा था और क्या क्या सोच रहा था लेकिन जब लड़की ने इतने प्यार से उसे कहा अंत में कि अंकल आप चलिए क्रिसमस केवल हमारे साथ मनाना फिर जब जहां जाना हो चले जाना तो तुरंत उठ गया बोले ठीक है इतने तुम उससे बोल रहे हो तो मैं चलता हूँ और ऐसा करके तुरंत उठ गया ही एक्सेप्टेड द फर कोट जो वैलेट जो नौकर उसका फर का कोट पकड़ा हुआ था उस कोट को उसने स्वीकार कर लिया एक्सेप्ट करना स्वीकार कर लिया विद द वैलेट हैंडेड हिम विथ ए डी बाव मतलब सम्मान पूर्वक झुक कर पूरा झुक कर वैलेट ने उसे फर का कोट दिया झुक कर क्यों सम्मान का तरीका होता है बड़े के सम्मान में छोटे लोग पूरा झुकते हैं ना तो विथ ए बाओ ऐसा झुक कर उसने उसको फर का कोट दिया थ्रू इट ओवर हिज रैग्स और थ्रो करना मतलब फेंकना पर यहाँ पर उसने फेंका नहीं थ्रू ओवर मतलब ऊपर पहन लिया अपने फटे चीथड़े कपड़ों के ऊपर उस कोट को पहन लिया थ्रू इट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू कैरिज और उस अपने उस कोट को अपने फटे चीथड़ों के ऊपर पहनने के बाद लड़की के पीछे पीछे कैरेज में चला गया जिसमें वो बैठ के आई थी जिसके चके की आवाज आने पर ये आ, उठा था या चके की आवाज महसूस किया था सो ही फॉलोड हर टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस अब देखिए यहां पे ही फॉलोड द गर्ल विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ ग्रांट करना मतलब देना एस्टॉनिश मतलब आश्चर्यचकित ये आश्चर्यचकित लोहारों को बिना देखे वो निकल पड़ा ग्लांश मतलब नजर एक नजर भी उसने नहीं डाली और यहां आश्चर्यचकित थे कौन लोग या ब्लैक स्मिथ लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि अरे मालिक की लड़की आई इससे बात की और अब इसको ले जा रही है तो ये लोग आश्चर्यचकित हो गए किस बात पर आश्चर्यचकित कि मालिक एक रैग पिकर को एक पेडलर को अपने घर बुलाए हैं कि मालिक अपने डॉटर को भेजे हैं इसको बुलाने के लिए तो जब उन्होंने देखा कि ये जा रहे है, ये पेडलर अब कैरेज में बैठ रहा है तो के रह गए आश्चर्यचकित रह गए लेकिन पेडलर भी एक था ऐसा था कि उसने एक नज़र भी नहीं दिखी मोड़ी उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जब ये आया था उस समय आर्यन स्मिथ में आयन मिल में ये ब्लैक स्मिथ ने उसकी ओर देखा था किसी ने नहीं देखा था एक शब्द भी नहीं बोला था नज़रअंदाज कर दिया था अब इसकी बारी थी इसने भी उस तरफ एक भी नज़र नहीं डाली और कैरेज में बैठ चला There's a beautiful line. Threw over his rag, followed the young lady to the carriage without granting, grant मतलब देना बिना मौका दिए. क्या मौका? उनके देखने का मौका दिए. Astonished मतलब Black Blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Ye एक लाइन है जो बारंबार बार परीक्षा में पूछी जाती है बट वायल ही अप टू द मैनर टू राइड अप मतलब चढ़ के जाना जब वो कैरिज में बैठ के जा रहा था राइड कर रहा था मोटरसाइकिल राइड कार राइड स्कूटर राइड साइकिल राइड ऐसी तरह ऐसे यहाँ पर है वेर ही वॉज राइडिंग टू द मैनर हाउस जब वो लड़की के साथ मैनर हाउस की ओर जा रहा था ही हैड इविल ईविल फॉर बोर्डिंग ईविल मतलब बुरी बहुत शैतान बहुत बुरी इविल फॉर बोर्डिंग मतलब आने वाली घटना है बुरी घटनाएँ आने, घटना आने वाली बुरी घटनाओं का अंदाजा उसको हो रहा था जैसे जैसे उसका कैरिज मैनर के घर के पास पहुंच रहा था वैसे वैसे पेडलर के मन में आने वाले कुछ बहुत बुरी घटना का एक अंदाज हो रहा था लग रहा था आगे कुछ गड़बड़ होगा आने वाली बुरी घटनाएं फोर फोर बोर्डिंग्स मैंने आने वाली बुरी घटनाएं ईविल मैंने बुरी फोर बोर्डिंग मतलब आने वाली घटनाएं और इविल फोर बोर्डिंग मतलब बुरी घटनाएं तो यहां पर <coughs> जैसे जैसे ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईविल फॉर बोर्डिंग वाई द डेवल दैट फेलोज मनी और वो सोचने लगा <coughs> और वो सोचने लगा वाई द डेविल? डेविल मनी शैतान मैं क्यों पैसा ले लिया आई टेक दैट फेलोज मनी मैंने उस आदमी का पैसा क्यों ले लिया अपने को कोसने लगा वो क्योंकि उसी पैसे के मारे तो इतनी परेशानी हो रही है दिन भर डरा दिन भर जंगल में भटकते रहा खाना पीना नसीब नहीं रात में यहाँ फौज में फंस गया अब उस चक्कर में वो कोई उसको गलत समझ बैठा है उसने अपनी डॉक्टर को भेज दिया डॉक्टर उसे ले जा रही है तो एक बार बार लग रहा है आगे कुछ गड़बड़ होने वाला है और कहीं मैं पकड़ा न जाऊं ना जाऊं समस्या बढ़ती ही जा रही है ऐसा उसको लग रहा था वो घबराने लगा था और इसीलिए तो लगातार उसके मन में घबराहट थी इसीलिए तो जब लड़की ने उसके हेड को हटाया तो जिस तरीके से घबरा के उठा उससे लड़की को लग गया था कि या तो ये चोरी किया हुआ आदमी है चोर है या जेल से भागा हुआ है वही लोग ऐसा तरीका से बर्ताव करते हैं और यहाँ अब ये अपने को कोस रहा था कहाँ फंस गया मैं और ये सब क्यों वो तीस क्रोनर के चक्कर में यदि ना मैं क्रोनर चुराया होता तो ऐसी भागने की नौबत नहीं पड़ती जंगल की पगड़ियों में भटकने नहीं पड़ता यहाँ जो फंस गया हूँ किसी ने मुझे गलत समझ लिया है उसमें नहीं फंसता ये सब फालतू चीज़ें जो हो रही हैं वो वो तीस कोरोना के कारण हो रही हैं और ऐसा कहते हुए कोसने लगा अपने को अफसोस करने लगा और कहने लगा वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी ही थाट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट और अब लगता है अब मैं जाल में फंस गया हूँ और अब इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा अभी तक तो रैट ट्रैप बेच रहा था और फिर किसी को कहानी भी सुनाया था कि दुनिया एक ट्रैप है अपने पुराने गेस्ट को दुनिया एक जाल है अब ये बोल रहा है पेडलर ऐसा लग रहा है मैं खुद भी फंस गया हूँ इस ट्रैप में मैं अब कैसे ट्रैप में बैठा हुआ हूँ जो खतरनाक है और ऐसा लगता है बाहर निकल नहीं पाऊंगा क्योंकि एक के बाद एक झूठ कहानी बनती चली जा रही है मैंने पैसे चुराए पैसा चुराने के बाद मैं जंगल में फौज में रुका वहाँ झूठ बोला अब यहाँ पे मैनर में लाया जा रहा है वहाँ भी मैं झूठ बोल रहा हूँ और ऐसा करते हुए उसके मन में बड़ी घबराहट होने लगी और लगने लगा कि अब मैं भी स्वयं इस ट्रैप में फंस गया हूँ खैर जो भी हो अब पहुँच तो गए थे एनी वे वट एवर द मैनर गर्ल एंड ऑन एंड सो फोर्थ और अब इस चंगुल से इस फंदे से कैसे निकलना ये उसके दिमाग में अब लगातार चालू हो गया उसी तनाव में वो रह रहा था नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव आया वो रात भर रहा होगा वहां आराम किया होगा अगला दिन क्रिसमस का दिन था पहले मकान में जब वो गया था किसी का गेस्ट होके तो होस्ट के साथ रात में वो ताश खेला था hmm. गप मारा था और फिर आराम से सोया था यहाँ पर ऑथर डज नॉट टेल एनी थिंग अबाउट वॉट हैपन इन द नाइट कटिंग शॉर्ट द स्टोरी द ऑथर जम्प्स टू द नेक्स्ट डे लेखिका जो है वो अगले दिन पे आ जाती तुरंत कहानी का और कहती हैं नेक्स्ट डे व क्रिसमस ईव नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड वेन द आर मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रॉबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉम्रेड हुम हेड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक बिना उम्मीद के कोई उम्मीद नहीं थी टू एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद करना अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना उम्मीद के तो यहाँ क्या अनुवाद हुआ अगले दिन क्रिसमस का दिन था और जब आर मास्टर डाइनिंग रूम की टेबल पर नाश्ते के लिए बैठा सो ही प्रॉबेबली वह संभवतः उसने सोचा संतुष्टि के साथ उसको इस बात की संतुष्टि मिली अपने उस पुराने मित्र के बारे में ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कॉमरेड मतलब सहयोगी याद रखेंगे कॉमरेड मतलब सहयोगी अपने उस सहयोगी जो आर्मी में फौज में था जिससे वो अचानक टकरा गया था रन अक्रॉस रन अक्रॉस मतलब दौड़ जाना नहीं रन अक्रॉस मतलब सामने टकरा जाना अचानक मिल जाना रन इन टू मतलब अचानक मिल जाना आई रैन इन टू हिम और फिर मैं अचानक मिल गया उसे और यहाँ पे रैन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली उसके बारे में सोचने लगा जिसके अपने वो पुराने रेजिमेंटल सहयोगी के बारे में जो जिससे उसके अचानक मुलाकात हो गई और उसको इस बात की संतुष्टि थी कि चलो वो यहाँ आया तो मेरा पुराना मित्र यहाँ आया ये यह कब सोचा जब वो ब्रेकफास्ट की टेबल में नाश्ता करने के लिए बैठा